सारे भाइयों ने, भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज हासी में आए हैं, हासी के पास यानी डाणी पीरा वाली है और इस गांव की लड़की है रेखा मेहराणा। तो रेखा का और एक दूसरे गांव का है सुखविंदर खोखा, यानी सुखविंदर खोखा यानी खोखा उसका गांव है सुखविंदर का, और जो रेखा है वह लड़की डाणी पीरा वाली की है। लेकिन इन दोनों ने जिस तरह के वीडियो बना रखी हैं शमशान घाट में, थोड़ी उल्ट पुलट भी हैं काफ़ी वीडियो, तो मतलब जिस तरह के आप देख कौन सको इस टाइप की वीडियो हैं। लेकिन गम में रोस है, यानी डाणी पीरा वाली में रोस है, और जिस तरह के इकट्ठे हो रहे हैं और इवन का मतलब विचार ही हो क्या कि पंचायत भी करें। लेकिन अब बात करावाँगे यार जिस तरह के भाई साहब से हैं और पूछ जाएंगे मतलब के मैटर के हो, कई दिन का मैटर चल रहा है और शायद वायरल होने खातर या पके कह दें अंधविश्वास, शायद ये आपने फैला रखे इतना अंधविश्वास जो उनका हरण टोने टोटके इस तरह का। तो नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। तो मतलब जिस तरह के आप यूँ बताओ, आपका पहले नाम बता दो और जो मैटर चल रहा है इस मैटर के बारे में बताओ, जो सुखविंदर खोखा है और ये रेखा है। भाई मेरा नाम सतीश नायक है। मैटर चल रहा है भाई, हर रिपोर्टर आ रहे हैं, कोई रोहतक से, कोई दिल्ली से, कोई किधर से, हर रिपोर्टर आ रहा है भाई मेरे गांव सुरुखियों में आ रहा है। लेकिन ये पता नहीं बदनामी में आ रहा है या मतलब अच्छाई में आ रहा है, लेकिन आ जरूर है। लेकिन सबसे खास चीज़ है ये कहने का मतलब, जो जितनी गंद खाना खिंडाया मेरे गाँव के जो मुताबिक है ये है भाई, जो खोखा क्या बोला, मैं नाम लेने में शर्म करता हूँ क्योंकि वो गांव का उन्होंने ऐसी शब्द बोल दिया कि वो हमारा कुछ भी ना लग गया। ठीक है, भाईचारा तो दूर की बात रही, सुखविंदर खोखा ऐसे कुछ नाम है। तो फिर उसने ऐसा कुछ जो बोल रखा, धमकी दे रखी भाई खुले आम ऑनलाइन, तो हर कोई कड़े बढ़ के देश का आमने सामने धमकी दे। फिर उस मनु लगा कहता है भारी है कि हम भारी है, ऐसे तो यार हर कोई ये कह सकता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई करने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये भाई मेरे मुताबिक ये गंद खाना है भाई, इस गंद खाने को बंद करो, नहीं तो ये हमारे गांव के जो प्रशासन है इसको कड़ा ऑब्जेक्शन लेंगे, ये बात जायज है। तो मतलब जैसे उसका यहाँ आना जाना रहता था गाँव में? हाँ बिल्कुल आना जाना रहता था उसके गांव में, फूफा जी भी है भाई, रिश्तेदारी भी है उनकी, उसके मुताबिक कहने का मतलब भाई थोड़े रिलेशन बड़े है, भाईचारा बड़ा है, तो उनको लगा है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उनको मेरे मुताबिक, तो देखो मेरा यही चीज़ कहना है कि भाई वो गांव की जो लेडीज है उनको आगे इतना भाई माले ऐसा बद बोल रहा है गंदी राड वगैरह, ये चीज़ तो लुगाइए के काम होते, उसको तो इंसान के काम ही नहीं है। फिर कहने का मतलब यदि वो ये कहता है वो गांव की लेडीज ख़त्म है घटिया, ये ऐसे ऐसे शब्द बोल रखे, तो मेरे तो मुताबिक तो देखो कड़ा एक्शन लिया जाए। तो जैसे एक आप भी कलाकार हो, कहीं ना कहीं एक जैसे वायरल होने का जो सनक सी बैठ जाती है, तो वो तो नहीं है? देखो वायरल होने का ये समझ है कि जो जैसे कि मान ले जिस्म दिखाना, या मान ले जैसे कि मान ले एक अच्छे कॉन्ट्स करके लेके भाई अच्छे जैसे कि मान ले स्टोरीज है या कुछ भी है उसको दिखा सकते हैं हम, अदरवाइज हम बिल्कुल नंगता करके न्यूड करके, तो ये कोई हमारा कोई वो प्रशासन के मुताबिक फॉलोवर बढ़ाने का ऐसा कुछ जरिया नहीं, हमने तो आज तक कभी ना सोचा ना कभी किया। वैसे भी जैसे गांव के एक तो कल्चर में भी नहीं है इस टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी वो लोग कहते हैं ना भाई मेरे को दिखाओ तो वीडियो, मैं कहता तो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ जिसमें से वो कपड़े वगैरह उतार रहे हैं और वो खुद वीडियो बना रहे हैं, आप बताओ। तो फिर क्या कहेंगे मतलब इस तरह के वो शमशान घाट की वीडियो आती हैं, तो मतलब ये कोई तांत्रिक पूजा भी करते हैं इस टाइप? देखो तांत्रिक पूजा का देखो मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो वीडियो देखे उसके माध्यम से लगता है कि हाँ भी करते होंगे जरूर। लेकिन ये वीडियो में कई बार तो ऐसे ऐसे चीज़ दिखा रहा है क्योंकि मेरे समझ से बाहर है, घर वालों को बच्चों को तो दिखाना तो दूर की बात रही है, आप खुद भी नहीं देख पाओगे। तो मतलब जैसे गांव में मांस के टुकड़े टकड़े फेंके महिलाओं के साथ बदतमीजी, बाकी ये भाई बताएगा क्योंकि उसने देखे वो मांस के टुकड़े।